बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टमाटो केचप की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। चले हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये टमाटर लिए हैं, ये तकरीबन 3 किलो है। इसको मैंने धो लिया है अच्छे से। अब हम इसको इस तरह काट लेंगे। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बनाना। टमाटर को हमने काट लिया है। अब हम इसको किसी बर्तन में ऐड कर देंगे। ये मैंने एक प्याज लिया है, इसको इस तरह काट लिया है। ये भी ऐड कर देंगे। और 4 लहसुन के जवे हैं और ये सुरख मिर्च, साबुत सुरख मिर्च है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और हम इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। आधा घंटा हो गया, देखिए टमाटरों ने पानी छोड़ दिया, ये गल चुके हैं। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और ब्लेंडर में डालकर स्मूथ कर लेंगे। आप इसको महीने भर के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये बहुत ही आसान है बनाना। अब हम किसी छलनी की मदद से इस तरह हम इसको छान लेंगे। ये देखिए इसका ये गुदा है, इसके बीज, इसको निकाल देंगे। ये हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। मैंने सारा जो है टमाटर जो छान लिए थे, हम इसको मज़ीद पकाएंगे इसका पानी खुश्क होने तक। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। ये मैंने 2 कप चीनी ऐड की है, विनीगर 1/2 कप, इसमें बहुत पानी है, चीनी जो है वो भी अपना पानी छोड़ती है। मीठा जो है वो अपने आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारी जो है केचप रेडी है बिल्कुल। अब मैं आपको इसका चेक करने का तरीका बताती हूँ। इस तरह किसी प्लेट में इसको बर्तन में डालकर चेक करें, बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये नीचे नहीं गिर रहा। ये देखिए बिल्कुल अब तैयार है। अब हम इसको किसी बोतल में डालकर रख देंगे। ये मैंने केचप बोतल लिए, इसमें डाल दिया। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।